देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज इंडिया लाइव टीवी को नॉर्थ इंडिया का नंबर वन न्यूज वेब चैनल बनाने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। सॉलिटेयर स्पार्क, अ ब्रांडेड होम डेकोर शोरूम। हमारे यहाँ लेटेस्ट स्टाइल एंड डिजाइन के कर्टन्स, बेडशीट, कुशन्स, ब्लैंकेट्स, फ्लोर मैट्स उपलब्ध हैं। सॉलिटेयर स्पार्क, घर आप बनाएंगे और उसे हम सजाएंगे। फेमस ब्रांड लाइक डी डेकोर, एबीएन एंड अदर ब्रांडेड कर्टन्स के साथ बॉम्बे डाइंग, ओरिव, फ्लोरिडा एंड सॉलिटेयर ब्रांड की बेडशीट्स, मोंटे कार्लो और सिग्नेचर जैसे फेमस ब्रांड के ब्लैंकेट्स अवेलेबल हैं। इंटीरियर डेकोरेशन लाइक वॉलपेपर, पीवीसी, कारपेट फ्लोरिंग भी की जाती है। सजाएं अपने घर को सॉलिटेयर स्पार्क के साथ। सॉलिटेयर स्पार्क, अ कंप्लीट ब्रांडेड होम डेकोर शोरूम, सर्कुलर रोड, सोलन। फोन नंबर 9816007616। नथू स्वीट्स, दिल्ली का मशहूर ब्रांड अब आपके शहर सोलन में। नथू स्वीट्स, शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ अब आपके शहर में होंगी तैयार। नथू स्वीट्स, कथेड़ बाईपास सोलन। दिल्ली की मिठाइयों का ट्रेडिशनल टेस्ट अब आप चखेंगे अपने शहर सोलन में। नथू स्वीट्स, कथेड़ बाईपास सोलन। Please visit Nathu Sweets. Nathu Sweets, Kathed Bypass, Solan. मनाएं दिवाली Nathu Sweets के साथ। Nathu Sweets की ओर से सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। Nathu Sweets, Kathed Bypass, Solan की तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों की दिवाली जो है मंगलमय हो और नथू स्वीट्स में आप लोग आकर अपनी दिवाली में और मिठास डाल सकते हैं। नथू स्वीट्स, कथेड़ बाईपास, सोलन। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नशे से बचाने के लिए सोशल एंड कल्चर हेरिटेज ऑफ हिमाचल संस्था हिमाचल प्रीमियम क्रिकेट लीग HPL प्रतियोगिता करवाने जा रहा है। प्रतियोगिता के लिए आगामी 10 नवंबर से प्रदेश भर में ट्रायल शुरू हो जाएंगे, जबकि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक प्रदेश भर में इस क्रिकेट महाकुंभ का आयोजन करवाया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में 8 जगहों पर पहले प्रतियोगिता करवाई जाएगी और उसके बाद जिला स्तर पर विजयी 8 टीमों का क्रिकेट महाकुंभ होगा। खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि युवा पीढ़ी को शिक्षा के साथ साथ खेलों में भाग लेना बेहद जरूरी है। हिमाचल का नाम नशे के कारण बदनाम हो चुका है, जिसको देखते हुए युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। प्रमोटर्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमाचल के द्वारा हिमाचल प्रीमियर क्रिकेट लीग प्रारंभ किया जा रहा है और जो 10 नवंबर से ट्रायल प्रारंभ होंगे और 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक इसके मैच किए जाएंगे और अभी प्रदेश के 12 जिलों में से 8 जिलों पर स्थान भी चिन्हित किए गए हैं और वहां पर इस खेल को प्रारंभ करेंगे और जो इन खेलों में यानी कि सभी को एक खुला निमंत्रण है, जो भी क्लब है कोई भी क्रिकेट खेलना चाहता उन सबको निमंत्रण दिया गया है और इसमें यह है कि नरेश धर्मा इस संस्था के संस्थापक और इसके सदस्य हैं, तो इन सबको मिल करके और साथ में समाज सेवी चंद्रमोहन जी जो विशेष तौर पर खेलों पर यानी तन मन धन से मदद कर रहे हैं, तो ऐसे सभी का मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि नई आने वाली पीढ़ी को खेलों के प्रति उनका रुझान और बढ़े तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और इन्होंने इसका अपना आदर्श वाक्य रखा है कि नशा मुक्त हिमाचल और नशा मुक्त हिमाचल को लेकर के जो हमारा मैच किया जा रहा है तो इसके लिए मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं और आगामी आने वाले दिनों में इस संस्था ने यह भी कहा है कि हम कबड्डी लीग भी करेंगे और किक बॉक्सिंग का भी करेंगे, यानी विभिन्न खेलों में जहाँ जहाँ पर जो उचित लगेगा तो वो करते जाएंगे। वहीं लीग के आयोजक चंद्रमोहन शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को संसाधनों के अभाव के चलते आगे बढ़ने का
मौका नहीं मिल पाता, इसलिए HPL के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रतिभा सबके सामने लाना इसका मकसद है। संस्था क्रिकेट लीग के बाद राज्य स्तर की एक टीम का सिलेक्शन भी करेगी जो आगे चलकर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी। प्रतियोगिता में विनर टीम के लिए 3,00,000 रुपए का इनाम रखा गया है। HPL का जो हमारा प्रोग्राम है, HPL पहले मैं आपको बता दूं HPL क्यों स्टार्ट कर रहे हैं हम। हमारे पास हमारा जो टैलेंट है हिमाचल का वो नीचे लेवल तक रह रहा है, हम ऊपर तक नहीं लेके जा रहे हैं। HPL के साथ साथ हमारी कबड्डी लीग भी आने वाली है, आगे किक बॉक्सिंग लीग भी आने वाली है। HPL हमारा पहले जोनल लेवल पे होगा, जोनल लेवल से हमारा स्टेट लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे हमारी 8 टीमें होगी और 8 टीमों में भी जो फर्स्ट 2 टीम्स होगी उसमें से जो अच्छे अच्छे प्लेयर है, ये नहीं है कि ये सिर्फ एक टीम जीत गई और एक हार गई वो वहीं तक ख़त्म करना है। हमारा मकसद जो है उन 8 टीमों में से जो अच्छे अच्छे प्लेयर है वो एक HPL की बड़ी टीम हिमाचल के लिए बनानी है, ताकि उसमें से कोई अच्छे प्लेयर जो है हमारे रणजी ट्रॉफी में आगे खेल सके। कोई अच्छा प्लेयर अगर HPA से हमारा कॉन्टैक्ट हो जैसे हो रहा है, अगर वो हमारी सपोर्ट करते हैं तो हमारे प्लेयर इंटरनेशनल लेवल तक खेल सकते हैं। नशा मुक्त हिमाचल, देखो जो हमारी ये लीग है इसका मेन उद्देश्य जो है दो हमारे इसके उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य हमारा इस लीग को स्टार्ट करने का है कि टैलेंट हंट करना, दूसरा जो हमारा उद्देश्य है वो नशा मुक्त करना। आज का जो यूथ है, कॉलेजेज में चले जाओ, डिग्री कॉलेज में चले जाओ, स्टूडेंट जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी नशे की ओर हमारे आगे जा रहे हैं। नशा पहले हमारे हिमाचल में होता नहीं था, अब तो सरेआम आप सुनते हो चिट्टा और काला सब चल रहा है, तो बच्चों का रुझान नशे से हटा के अगर हम गेम्स की तरफ लेके जाएं, जो नशे की लत है जो बच्चों को हटा के अगर गेम्स की तरफ ले जाएं, तो उससे उनका शारीरिक विकास भी होगा, हिमाचल का नाम भी देश के मानचित्र तक होगा। सोशल एंड कल्चर हेरिटेज ऑफ हिमाचल संस्था आने वाले दिनों में क्रिकेट के अलावा कबड्डी लीग और अन्य खेल प्रतियोगिताएं भी करवाएगा, जिससे प्रदेश के युवाओं का ध्यान नशे से हटकर खेल में लगाया जाए और प्रदेश की छुपी हुई प्रतिभा को लोग पहचान सकें। शिमला से इस विशेष रिपोर्ट के लिए दीपक चौहान। यू आर वॉचिंग न्यूज इंडिया लाइव टीवी। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।